हेलो एवरीवन, तो आ गए मैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने वीडियो को सजेशन में कैसे लाएं। बड़े बड़े यूट्यूबर के, अपने कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर के सजेशन में अपने वीडियो को कैसे लाएं। जब तक आपकी वीडियो सजेशन में नहीं जाएगी, चैनल है अभी न्यू स्टार्टिंग के, आपके सब्सक्राइबर कम है, तो आपकी वीडियो अगर सजेशन में नहीं जाएगी तो व्यूज़ बहुत कम आएंगे। तो सजेशन में अपने वीडियो को लाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, साइड में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं जो कुछ बताता हूँ फ्रेंड, मैं यूज़ करता हूँ और बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं। अच्छा रिजल्ट आता है तो बताता हूँ, और कोई रॉन्ग, कोई गलत चीज़ नहीं बताता हूँ मैं। अच्छा, जो चीज़ सही रहता है, जो राइट रहता है, जो लीगल रहता है, वही बताता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे टैग यू यहाँ पे सर्च कर देना है प्ले स्टोर पर जाके। यहाँ पे टैग यू सर्च करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसकी वजह से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं, या अपडेट मांग रहा है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको टैग यू इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ से मैं कट कर देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना है यूट्यूब पे। इस तरीके अपने वीडियो को सजेशन में लाना ही पड़ेगा, तभी व्यूज़ आएंगे। अगर स्टार्टिंग आपका चैनल अभी नया है तो नहीं, तो फिर आपके वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आएंगे सजेशन में जब नहीं जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब जो भी टॉपिक हो आपका, जिस भी कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब टिप्स ही बनाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग कुकिंग से, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग वीडियो बनाते हैं। तो जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो वीडियो आप बनाने जा रहे हो, उसको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। जैसा आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है, जिस टॉपिक पर वीडियो आपने बनाया है, उस टॉपिक को सर्च करना है। वीडियो अपलोड करने से पहले, वीडियो एडिटिंग सब कुछ रिकॉर्ड करके रखने के बाद में जब अपलोड करने का वो टाइम आया, यहाँ पे क्या करना है, अपना जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है, जिस कैटेगरी के वीडियो बनाए हैं, उसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्रेंड कि थंबनेल कैसे बनाएं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कैसे बनाएं, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया फ्रेंड। सर्च करने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इनका रहा, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पुराना वीडियो है उसको नहीं लेना, जो मतलब एक दो महीना हुआ हो उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिंक, यहाँ पे कॉपी लिंक दिख रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो लिंक है कॉपी हो चुका है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जब इनके वीडियो के नीचे बहुत सारे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे सजेशन में ये सब पूरा सजेशन, इसको कहा जाता है सजेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इनका वीडियो मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो सजेशन में जब वीडियो आ जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो है, तो आप उसको भी ओपन करके देखेंगे। देख सकते हैं ये सब सजेशन में, इसको सजेशन कहा जाता है। अगर किसी दूसरे वीडियो के नीचे अगर वीडियो आ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद में फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा कट कर देना है। इस तरीके कट कर देना है डायरेक्ट। उसके बाद में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, टैग यू ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, इसको सब लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल किया ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं गेट टैग्स फ्रॉम यूआरएल, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना जो लिंक आपने भी कॉपी किया है, मैंने कॉपी किया है, मैं डालूंगा, और आपको कॉपी करके लिंक यहाँ पे डालना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं चेक का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो टैग है पूरा मेरे सामने खुल के ओपन हो चुका है। तो टैग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा लगाया है इन्होंने, थंबनेल कैसे बनाए, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी हो, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने वाले हो, जो टॉपिक आप बनाए हो वीडियो, उसको क्या करना है, उसी टॉपिक पर सर्च करना है। ऐसा नहीं कोई सा भी, जो टॉपिक हो, जो कैटेगरी आपका हो, उस हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप पूरे कीवर्ड को नहीं लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिनिमम 10 टैग लगाना है, 10 टैग से ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। 10 टैग से कम ही लगाना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टैग है उसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी नहीं करना है आपको। अगर कॉपी करेंगे तो जब पेस्ट करेंगे वहाँ पे अपने टैग वाले सेक्शन में, तो ये डुप्लीकेट टैग दिखाएगा। तो कॉपी नहीं करना है आपको, सेव भी नहीं होगा,
मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मतलब अगर यहाँ से कॉपी करेंगे डायरेक्ट तो अपने टैग वाले सेक्शन में डालेंगे तो सेव नहीं होगा, क्योंकि ये टैग वहाँ पे डुप्लीकेट बताने लगता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे फ़ोन में इसको क्या नाम है स्क्रीन शॉट लेके डाल देना है, या तो फिर किसी कॉपी में लिख के उसके बाद में अपने वीडियो में इन सारे टैग को डालना है। तो यहाँ पे कैसे डालना है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट ऐसा डालेंगे जैसा प्ले स्टोर, अगर ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा कट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसा मैं अपने YT स्टूडियो पे गया, YT स्टूडियो पे इस तरह का आपको आ जाना है। वीडियो अपलोड करने के बाद में जब वीडियो अपलोड कर देते हैं तो टैग वाले जब YT स्टूडियो में आते हैं टैग और थंबनेल लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है अपने वीडियो में, उसके बाद में इस पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में टैग वाले सेक्शन में चले जाना है इस तरीका। जाने के बाद में फ्रेंड अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है आप, यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड, अपने टैग वाले सेक्शन में इस कीवर्ड को देख देख के लिखना है, कॉपी नहीं करना है। कॉपी करेंगे तो डुप्लीकेट माना जाएगा, वहाँ पे सेव नहीं होगा। किसी बुक में लिख सकते हैं या आपके पास दूसरा फ़ोन है तो उसमें स्क्रीन शॉट लेके भेज के उसके बाद में देख देख के अपने टैग वाले सेक्शन में पूरा डाल देना है। यहाँ पे इस तरीके का डालेंगे तो आपकी वीडियो सजेशन में बिल्कुल 100% जाए। वीडियो सजेशन में तभी जाती है जब आपका टैग वाला कीवर्ड मैच करता है। जब तक टैग वाला कीवर्ड मैच नहीं करेगा तो आपका जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है उससे सजेशन में नहीं जाती है वीडियो। सबसे पहला जो मैटर करता है टैग, इंपॉर्टेंट टैग होता है। अगर टैग का कीवर्ड आपका मैच किया किसी भी, चाहे वो मनोज दे हो, चाहे वो बड़े बड़े यूट्यूबर कोई भी हो, नित्या के सपोर्ट, टेक चैंपियन सपोर्ट कोई भी हो, टेक्निकल योगी जी हो गए, मतलब कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर और आपके जो जो भी कैटेगरी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग यूट्यूब टिप्स ही बनाते हैं। हमारे वीडियो को जो देखते हैं हो सकता है कुकिंग से रिलेटेड हो, या मतलब गेमिंग से हो, या किसी भी रिलेटेड वीडियो आप बनाते हो, तो अपने बड़े बड़े यूट्यूबर का टैग कॉपी करना, ऐसा नहीं कि इनका कॉपी करना है, अपने बड़े बड़े यूट्यूबर का टैग कॉपी करके अपने टैग वाले सेक्शन में डाल देना। इससे 100% आपकी वीडियो सजेशन में जाएगी। टैग मैच करता है तभी सजेशन में वीडियो जाती है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन से सजेशन में नहीं जाती। कीवर्ड जो टैग का है अगर ये मैच कर गया तो आपकी 100% वीडियो सजेशन में जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, ये सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड।